मेरे लॉकर में जगन्नाथ के गैर कानूनी कागजात। कमिश्नर साहब, ये वो फाइल है जिसमें जगन्नाथ की काली करतूतों का हिसाब है, और इसमें वो सबूत है जिनकी अदालत के चबूतरे पर आंखों पर काली पट्टी बांधे खड़ी इंसाफ की देवी को सख्त जरूरत है। शाबाश बेटे, मुझे यकीन था तुम्हारे हाथ एक न एक दिन उस दरिंदे के मुंह से शराफत का नकाब जरूर उतार देंगे। कांग्रेचुलेशंस। कमिश्नर साहब, अभी तक तो मैंने सिर्फ वर्दी का कर्ज उतारा है, डैडी के खून का कर्ज अदा करना तो अभी बाकी है। गाड़ी कहाँ है? हेलो, तुम? मुझे मालूम थे गुप्ता तुम वहीं हो गए। सर, मैं तो ड्यूटी पर हूं सर। मुझे मालूम है तुम किस तरह की ड्यूटी पर हो। जगन्नाथ कहाँ है? सर, वो तो कब-कब मर चुके हैं सर। और तुम अभी तक जिंदा हो? ठीक है। मेरी पोल खुल चुकी है। मैंने इतने साल जो तुम्हारे साथ वफादारी की, मुझे उसका मुआवजा दे दो। मैं इस मुल्क से निकल जाना चाहता हूं। जगन्नाथ से जो हक मांगता उसे मुल्क से नहीं, दुनिया से दूर भेज दिया जाता है वफादार। अरे यार, तू देख जगन्नाथ, तू मुझे कुछ नहीं देना चाहता ना, कुछ मत दे, लेकिन कम से कम मुझे यहां से तो जाने दे, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट को पता चल गया कि मैं बेईमान हूं, मैं करप्ट हूं, मेरे पीछे पुलिस लगी है, मुझे यहां से जाने दे।
मुझे। मुझे मारना तेरे जैसे हिजड़े का काम नहीं है। मुझे दुनिया से हटाने से पहले इसे दुनिया से हटा जो तेरा अपना खून है, अपना खून। चला गोली, चला। जगन्नाथ का नाता सिर्फ रुपयों से है वफादार, जगन्नाथ का रिश्ता सिर्फ दौलत से है, और रिश्तों की खातिर जिनकी आंखों में आंसू आते हैं वो अनाथ होते हैं, जगन्नाथ नहीं। आओ तुम्हें भी भेज देता हूं इसके साथ स्वर्ग। देख संजय, मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया इस कुत्ते की वजह से किया। इंस्पेक्टर वफादार, पकड़िए हथियार और निकल जा बाहर। कम से कम 4-5 गोली तो कर दो इसके अंदर बाहर। ये है मेरा शिकार, मुझे कम से कम एक लात तो मार लेंगे इसे। मार, एक लात। नहीं सर, छोड़ दो मुझे। तुमने जाने कैसे दिया उस गद्दार को? उस गद्दार की सजा बाहर उसका इंतजार कर रही है। अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो, मुझे जाने दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। हट जाओ। वफादार, मैंने कहा था ना, मैं वफादारों को इनाम देता हूं और गद्दारों के सीने में गोली गाड़ देता हूं। तुम जैसे पुलिस वालों का यही अश्रु होता है। और इस गद्दार को सजा मैं दूंगा। नहीं संजय, इसे कानून के हवाले कर दो। किस कानून के हवाले कर दूं? उस कानून के जो इसके गुनाहों को देखते हुए भी अनदेखा करता था। क्यों छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं मैं इसे? अपनी मां की खातिर, जिसे विश्वास है कि कानून जगन्नाथ को सजा एक ना एक दिन जरूर देगा। अगर तुमने इसके गंदे खून से अपने हाथ रंग लिए और गुनहगार बन गए, तो कानून के साथ साथ तुम्हारी मां का ममता से विश्वास उठ जाएगा। संजय, तुम्हारे हाथ में हथकड़ी होगी, मगर सजा जगन्नाथ को जरूर होगी, ये मेरा वचन है। मेरी मां की गर्दन आज तक भगवान के सिवा किसी के सामने नहीं झुकी, और किसी गुनहगार के लिए मैं उसे झुकने भी नहीं दूंगा। मगर इतना याद रखना सोनम, इस बार फिर अगर कानून ने मेरे साथ न्याय नहीं किया तो हर घर में एक ऐसा संजय पैदा होगा जो अदालत के कुरुक्षेत्र का इंतजार नहीं करेगा, अपनी महाभारत खुद लड़ेगा। योर ऑनर, जैसे झूठ का सच से, नेकी का बदी से, पाप का पुण्य से कोई रिश्ता नहीं होता है, उसी तरह संजय पर लगाए गए इल्जामों का रिश्ता संजय से नहीं है। मिलॉर्ड, हर माँ अपनी औलाद को बेगुनाह समझती है, चाहे वो गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मिलॉर्ड, इस खतरनाक मुल्जिम संजय सिंह वल्द अमर सिंह ने मेरे मुवक्किल को मारना चाहा। योर ऑनर, मैं उन गुनहगारों में से नहीं हूं जो अपना गुनाह कबूल करने से घबराते। हाँ, ये सच है कि श्रीमान जगन्नाथ, इनके घर बार और कारोबार को मैंने तहस नहस किया। यह भी सच है कि मैंने अपने हथकंडों से इन्हें बर्बाद किया, और यह भी सच है कि मैंने इनकी हत्या करने की कोशिश की, मगर अफसोस कि यह बच गया। वाकई मुझे इस बात का अफसोस है योर ऑनर, कि मैंने गोली इसके पैरों पर मारी, इसके सीने पर नहीं। और अगर आप मुझसे पूछे कि यह आदमखोर लंगड़ा गैर कानूनी आदमी कानून के कटघरे में जिंदा कैसे खड़ा है, तो इस सवाल का जवाब मेरी मां है योर ऑनर, सिर्फ मेरी मां, जिसे इस बात का पूरा यकीन था कि कानून इसे सजा जरूर देगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मैं मुजरिम बनकर आज कानून के कटघरे में खड़ा हूं। ये जगन्नाथ, जिसकी दरिंदगी का शिकार अदालत में बैठा हर शख्स है, चाहे वो मां हूं, मेरी मां है या मेरी मोहब्बत, हर एक को इसने ऐसा सदमा जरूर दिया है जिसे वो मरकर भी भूल नहीं सकता। योर ऑनर, मेरे हाथों को हथकड़ी ने जकड़ लिया और ये दरिंदा मौत से बच गया, वरना अभी मेरे हाथ इसी बंदूक से इसके सीने में गोली ठोकने के लिए मचल रहे। मिस्टर संजय, क्या यह अदालत जान सकती है कि आप खास इसी बंदूक से सेठ जगन्नाथ का खून करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि इसी बंदूक से इस सेठ जगन्नाथ ने मेरी मां के होठों की मुस्कुराहट, उसके माथे की बिंदिया, उसकी मांग का सिंदूर सब कुछ छीन लिया, दे दिया उसके सीने में जख्म,
भर दिए उसकी आंखों में आंसू, फिर भी मेरी मां ने अपने आदर्श के रास्ते को कभी नहीं छोड़ा। वो एक पत्नी के, एक मां के, एक औरत के सारे फर्ज निभाने चली आई। अब देखना तो यह है योनर कि कानून अपना फर्ज और अपनी जिम्मेदारी कहां तक निभाता है। मिसेज ज्योति सिंह, आप अपने गवाह सबूत पेश कर सकती हैं। इस बंदूक को पहचानते हैं मिस्टर जगन्नाथ? जी हाँ, इसी बंदूक की गोली से इस लड़के ने मेरी टांग को जख्मी किया था। ये किसकी बंदूक है? जाहिर है उसी की जिसने मेरे ऊपर हमला किया। तुम झूठ बोल रहे हो जगन्नाथ। ये स्टैंडगन विदेशी जरूर है, मगर है ये तुम्हारी। इसी बंदूक से तुमने मेरे पति डीएसपी अमर सिंह का खून किया। उस खून के चश्मदीद गवाह थे मैं और मेरा बेटा। कानून की कमजोरियों और तुम्हारी चालाकियों ने तुम्हारी गर्दन को फांसी के फंदे से दूर रखा, मगर अब ये फांसी का फंदा इतना नजदीक आ गया है कि अगर तुम चाहो तो भी तुम नहीं बच सकते। ये झूठ है योर ऑनर, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। यस माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल को डीएसपी अमर सिंह का कातिल कहना झूठ है। ये झूठ नहीं, सच है। ये सरासर झूठ है। ये सच है। ये झूठ है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिसेज ज्योति सिंह, आप जो कहना चाहे कह सकती हैं। ये सच इसलिए है योर ऑनर, पोस्टमार्टम के वक्त डीएसपी अमर सिंह के जिस्म से निकाली गई गोलियां उन गोलियों से मिलती हैं जो जगन्नाथ की जख्मी टांग से निकली थी। इसलिए इस बंदूक के मालिक संजय सिंह नहीं, सेठ जगन्नाथ है। मेरी अदालत से प्रार्थना है कि मेरी गवाह इंस्पेक्टर सोनम को बुलाने की इजाजत दें। इजाजत है। इस आदमी को जानती हो जो कटघरे में खड़ा है? जी हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या रिश्ता है तुम्हारा? मैंने इनसे मोहब्बत की है। इसके बावजूद तुमने इसे गिरफ्तार किया? वो मेरा फर्ज था, मेरी ड्यूटी थी। तुम इन्हें जानती हो? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कैसे? ये मेरे नाजायज बाप है। इसलिए तुमने सेठ जगन्नाथ का खून संजय के हाथों नहीं होने दिया? योर ऑनर, ये इल्जाम बिल्कुल गलत है। संजय ना ही एक मुजरिम है और ना ही खूनी। वो चाहता तो सेठ जगन्नाथ को मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सिर्फ इसे जख्मी किया ताकि ये भाग ना सके और खुद को कानून के हवाले कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? अपने बाप को ही कानून के इर्द गिर्द लपेट रही हो। कानून कभी रिश्तों का गुलाम नहीं होता है, और ना ही तुम कभी रिश्तों के गुलाम थे। वरना मेरी माँ लावारिसों की तरह क्यों मरती? और उसकी कोख से पैदा हुई बच्ची, उसका क्या होता अगर उसे कमिश्नर दुर्जन सिंह जैसे देव पिता पाल पोस के बड़ा ना करते? सिर्फ जन्म देने से इंसान पिता नहीं बन जाता है, उसे पिता होने का फर्ज भी अदा करना पड़ता है, और वो फर्ज मेरे लिए कमिश्नर दुर्जन सिंह ने अदा किया है। वरना मैं गुनेगार की बेटी कहलाती, और मेरी परवरिश गुना के साहे में एक गुनेगार की तरह होती। बेटी, सेठ जगन्नाथ, आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। योर ऑनर, अब मैं उस गवाह को अदालत में बुलाना चाहती हूँ जिसकी गवाही मेरे बेटे को निर्दोष साबित कर देगी, कमिश्नर ऑफ पुलिस दुर्जन सिंह। इजाजत है योर ऑनर। संजय सिंह गुनहगार नहीं है। पुलिस की रिपोर्ट जो अदालत में पेश की गई है उसके मुताबिक संजय ने जगन्नाथ के काले धंधे खत्म किए, उसके काले धन के खजाने को पुलिस में पकड़वाया। योर ऑनर, संजय सजा का नहीं, इनाम का हकदार है, जो पुलिस डिपार्टमेंट फख्र के साथ कहता है। गवाहों के बयान और ठोस सबूतों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि संजय बेकसूर है और उसे बाइज्जत रिहा किया जाता है, और साथ ही उसे पुलिस डिपार्टमेंट के इनाम का हकदार भी घोषित किया जाता है। यह अदालत सेठ जगन्नाथ को उसके जघन्य अपराधों के लिए सजाए मौत का हुक्म देती है। सेठ जगन्नाथ,
अब ना तो तुम पाप कर पाओगे ना पुण्य, और तुम वो भी नहीं कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। जगन्नाथ, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जगन्नाथ को हिरासत नहीं लिया जाए। आपके कातिल। छोड़ो मुझको। जगन्नाथ किसी कानून को नहीं मानता। आज जगन्नाथ तुम कानून वालों को भगवान बनकर जीने नहीं देगा, एक एक को खत्म कर देगा। सोनम, सोनम तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। दुनिया में किसी भी पापी की मौत सर पटकने से नहीं टलती। जब जब जगन्नाथ जैसे गुनाहगार जन्म लेंगे, तब तब कानून का फंदा उनके गले में पड़ेगा और वो हैवान मौत के अंधेरे में मिल जाएंगे, ताकि दूसरों की जिंदगी की रोशनी ना छीन सकें।